तो लगा सर कैसे हैं आप सभी लोग। तर आज की शुरू अपन खेलने जा रहे हैं वापस से स्टंबल गाइस। और यार हो गया था थोड़ा टाइम खेलते हुए, पर कोई नहीं खेल लेंगे। और यार देखो ये चल रहा था एक टूर्नामेंट, जो जिन जिन को यार नहीं पता उस टूर्नामेंट का मतलब क्या, पहले तो मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोग हैं यार जो स्टंबल गाइस सर्वर पर नहीं है, मतलब काफ़ी लोग हैं, तो उनके लिए एक बार बता देना तो पड़ेगा यार। तो यार जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि चार अपनी स्पेशल स्किन्स आई हैं, या पता नहीं तीन आई हैं, जितनी भी आई हैं उसमें से यार आप एक स्पेशल स्किन अपनी मर्जी की ले सकते हो ये टूर्नामेंट जीत के। इस टूर्नामेंट का यार सिंपल है, इन गेम टूर्नामेंट चालू है, ये क्वालिफायर्स हो रहे हैं, जो भी एक ही बंदा आगे बढ़ेगा रोज़, मतलब एक सर्वर से एक, और 25-26 से पहले पहले ये टूर्नामेंट होते जाएंगे रोज़, इंडिया में होगा, यूरोप में होगा, और फिर 26 और 25 इन दो डेट्स को फाइनल्स होंगे, जिसमें बेंच क्यू के पास नाम चले जाएंगे कि ये लोग ये टूर्नामेंट जीते थे, वो उनका अलग से टूर्नामेंट बनवाएगा, जो वो जीत जाएगा वहाँ पे तुम्हें मिलेंगे, मतलब जेम्स तो नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल, लेकिन तुम्हारी मतलब कि तुम्हारी पसंद की एक फेवरेट स्किन मिलेगी, स्पेशल स्किन। तो ये मेरे हिसाब से एक क्रिसमस टाइप का कुछ बनाया है इन्होंने, पर ठीक है जो भी बनाया है हम सह लेंगे थोड़ा सा। तो यार मैं भी वही कोशिश में था कि हम भी आगे तक जाएँ, क्या पता क्वालिफाई कर जाएँ। अगर देखो मेन है क्वालिफायर्स, अगर क्वालिफाई हो गए उसके बाद तो फिर ईजी है भाई, बहुत ईजी है क्वालिफायर्स मेन, इसलिए क्योंकि आखिरी में मुश्किल से हमें 6-7 max 10 लोग मिलने वाले हैं, यहाँ पे हमें 600 से ऊपर लोगों के साथ कम्पीट करना है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। और यार क्वालिफाई सिस्टम कुछ ऐसा है, अभी देखो 10 बंदे होंगे 20 में से, सेकंड फेज में होंगे 16 में से 8 बंदे, और सेकंड फेज के लास्ट राउंड जिसे कहेंगे हम फाइनल्स, फाइनल्स में होंगे सिर्फ एक बंदा 16 या पता नहीं कितने 20 में से एक बंदा, मतलब भाई ऐसी तैसी फेर दिए पूरी, जो जो लोग कल पहुँच गए उनकी हिम्मत है, पता नहीं कैसे पहुँचे। और यार इसकी बेस्ट बात यह है कि तुम अगर फर्स्ट फेज के 3 राउंड हैं और अगर तुम 3 में से किसी में भी क्वालिफाई नहीं होते तो भी तुम आगे जाओगे, क्योंकि टोटल बंदे 130 होते हैं और आगे जाने की स्पेस 630 है, मतलब कुछ भी बना रखा है। तो ऐसा है कि फर्स्ट फेज तुम फुल चिल मोड में खेलो, उसके बाद फिर जो भी धक्का वक्का मारना है देख लो खुद। तो यार मैं भी बस खेल रहा था, क्यों खेल रहा था मेरे को नहीं पता, मतलब मैं क्यों खेलता हूँ टूर्नामेंट्स, वैसे नहीं खेलने चाहिए पर ठीक है यार, ये लालच दे देते हैं ना, स्पेशल स्किन का खेलना पड़ता है। ये अभी फर्स्ट फेज का 3rd राउंड चल रहा है और जितना मुझे लग रहा है मैं क्वालिफाई कर ही जाऊंगा। और मैं यहाँ पे यार राइट से इसलिए गया क्योंकि मुझे लेफ्ट का रेस नहीं लेना था, वहाँ से अगर मेरे को मुक्का उक्का पड़ता तो मैं डायरेक्ट नीचे था। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो सबसे आगे क्वालिफाई हुआ तो ये क्यों खेल रहे हैं भाई, इनके पास स्पेशल स्किन है तो जाओ ना अपना घर जाओ, हर जगह मुँह मारने आ जाता, अच्छा लगता है ऐसे, जाओ कहीं और जाके किसी और को परेशान करो, हमें क्यों कर रहे हैं भाई, हमें लेने तो स्पेशल स्किन, हमने भी तो नहीं ली ना, इनको सारी चाहिए भाई, पता नहीं क्या ही चाहते हैं ज़िंदगी से ये भाई, कौन कौन लोग हैं ये, मतलब मिलवाओ यार इनसे कभी। ये यार सेकंड फेज का 1st राउंड चालू हो चुका था, जिसको आप क्वार्टर फाइनल्स भी कह सकते हो, 20 में से 10 लोग होने थे और दो बंदे आए नहीं थे, तो 18 में से 10 लोग होने थे, जो कि बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल है नहीं। तो मैं बहुत प्यार से निकल गया था भाई, और क्वालिफाई भी कर जाएंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, भले यार ट्रिक नहीं हुई लेकिन ठीक है पहुँच गए। और यार ये भाई ये मैप देना क्यों है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, अभी आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस मैप ने इतना झिलाया है ना यार मेरे को, क्या ही बताऊँ। तो यार पायर पुश आया, मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, मुश्किल होगी क्योंकि झुंड होता है, लात वात पड़ेगी, लेकिन पहुंच जाएं क्या पता तुक्के तुक्के में। तो मैंने वही सोच के खेलना चालू किया और मैं सबसे आगे भी चला गया। अब मैं यहाँ पे रुक गया क्योंकि झुंड में ऊपर चढ़ के मुक्केबाजी होती है, और यहाँ पे एक निंजा मेरे को बॉडी मार के ऊपर चढ़ गया, महान इंसान भाई, मतलब प्यार से भी तो जा सकते हो ऐसे उड़ता, ये देखना नीचे भी गिर गया खुद, ये जो आपने सबसे पहले राइट में देखा बंदा वही था, WZD का कोई लौंडा भाई, मतलब क्या जोश में था पता नहीं मेरे को, इतना जोश में आया कि मेरे को भी साइड कर दिया, फिर खुद भी साइड हो गया, पता नहीं मेरे को हरवाने के लिए खेल रहा था। तो मैंने यहाँ पे इसको मुक्का मार दिया, मैं नहीं जा रहा, तू भी नहीं जाएगा भाई, तू यहीं रुक। तो यार एक जगह से बात नहीं बनी, तो हम तो हैं बेशरम, हम यूरोप वाला खेलने पहुँच गए। और यार यूरोप वाला की ऐसी की ऐसी, पहले लाइक करो यार वीडियो को, लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, क्योंकि 20 के पता नहीं यार हुए नहीं हुए, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, मैं आजकल चेक भी नहीं कर रहा, मेरे को बस लोग बता देते हैं, चेक करना पड़ेगा एक बार 20 के हुए नहीं हुए, देखो अगर तो हो गए तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं हुए तो भी बहुत बढ़िया है, वैसे बुरा तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर नहीं हुए तो करवाओ यार, और अगर हो गए हैं तो 50 के करवा दो, 100 के करवा दो, मेरे जितने भी करवा दो, देखो मैं किसी से उल्टा नहीं बोलता, तुम्हारे दान पात्र में जितना है सारा दे दो मेरे को। और यार इस वीडियो पे हम लाइक एम रखे हैं पूरे के पूरे 1.5 के लाइक्स के लिए, तो लेट्स सी कि यार हो पाता है नहीं हो पाता है। यहाँ पे इस बंदे को मैंने मारने का ट्राई किया, ऊपर से मैं ही बॉडी हो गया, वो अलग बात है, थोड़ा पोपट हो गया मेरा यहाँ पे, लेकिन यार फर्स्ट फेज था तो इतना कोई प्रेशर था नहीं, क्योंकि सारे ही होने क्वालिफाई, सबको पता ही है, बस भाग रहे हैं सारे, क्यों भाग रहे हैं नहीं पता। दूसरा मैप यार यहाँ पे आ गया लॉस्ट टेंपल, तो मैं थोड़ा सा दिमाग से खेलने वाला था यहाँ पे, मैंने यार पहले ही मतलब डबल जंप नहीं मारी जिससे झुंड में ना घुसूँ मैं,
या तो बॉडी हो जाऊंगा या तो मुक्के पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुक्के पड़ते ही हैं। देखो यहाँ पे मुक्केबाजी हुई, पर मैं मुक्केबाजी में घुसा ही नहीं कि मेरे को पड़े ना, वो अलग बात है। मुझे कांटे पड़ गए लेकिन मुक्का तो नहीं पड़ा। देखो कांटे पड़े तो इतना बुरा नहीं लगता, मुक्के को ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पे मैंने ट्राई किया, बहुत नाकाम मुक्का, बिल्कुल किसी को छुआ भी नहीं। ट्राई चल रही है देखो मुक्केबाजी में भी हमारी। और यार तुम्हारे सबका जो भी सब्र था ना वो टूटने वाला है, क्योंकि गॉडेक्स के साथ 1v1 आएगा कल, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटीड गॉडेक्स के साथ कल 1v1 आ जाएगा। तो देख लेना यार, अच्छा लगे तो फिर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वो तो अभी भी करके जा सकते हो, बेल आइकन भी ऑन कर सकते हो अगर तुम्हें नोटिफिकेशन चाहिए तो। और यार मुझे पता है तुम में से सबको लग रहा होगा ऑलमोस्ट कि गॉडेक्स जीतने वाला है, वैसे मेरे को भी यही लग रहा है, पर देखते हैं यार, मैं ट्राई तो करूँगा। टोटल 11 राउंड रखे हैं जिससे थोड़ा ऑड रहे, टाई ना हो जाए, तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ प्यार में प्यार से जा रहा था, मतलब जा रहा था, मैंने था बोला, ठीक है अभी नहीं जा रहा, मैं पहले जा रहा था, फिर मुझे मुक्का पड़ गया और अब मैं पीछे रह गया। और यार मेरे आगे मलूको चल रहा है, ये जो आपने निंजा देखा ना डूबता हुआ, ये मलूको ही है, मलूको वाइटी 7K सब्सक्राइबर्स और पोर्चुगल से है, बस मुझे ज़्यादा जन्म कुंडली उसकी पता नहीं है वरना मैं सब बता देता। वो भी डूब गया भाई, फिर मैं डूबा तो मेरे को भी स्टार्टिंग में सौन दे दिया और मेरे को यहाँ पे मिला ये। मैं भाई इससे मिल के गया, फिर मैंने कहा चलो अब आए हैं तो हाल चाल पूछ ही लिया जाए, चाय वाय नाश्ता वाश्ता कुछ कर लिया जाए, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। दोनों एलिमिनेट हो गए, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि फेस टू मैच सबको जाना ही था। अब आ चुका था यार क्वार्टर फाइनल्स, और इस मैप ने मेरा जो मत्था खराब किया हुआ है ना, क्या ही बताऊँ। यहाँ पे यार पिछली बार मैं राइट से गया था तो मैं पिट गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं लेफ्ट से जाऊँगा, थोड़ा धीरे जाऊँगा, लेकिन क्या पता 9-10 बजे तक पहुँच जाऊँ। अब देखते हैं क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊँगा। मेन हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री क्यों होगी, मेन मिस्ट्री तो यही है, और मिस्त्री नहीं बोल रहा मैं, मिस्ट्री बोल रहा हूँ। यहाँ पे यार मैं कोने पे चल रहा था बीच में, ये क्या है भाई, ये हटा दिया है क्या, मेरे को किसी ने बताया नहीं, ये चीज़ अब नहीं होती, मेरे को कोई बताओ यार जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कि कोने पे चलने वाली ट्रिक गई क्या। बिल्कुल यार कोने पे कदम ही रखा था कि कदम ही तोड़ दिया मेरा, मतलब पैर तोड़ दिया मेरा, हो गए यार इस बार भी एलिमिनेट हो गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी यार, मेरे को बहुत बुरा लगा। और यार एंट्री चाहिए तो जीतना तो पड़ेगा, और तुम में से काफ़ी लोग खेल भी नहीं रहे होंगे तो अब जाके खेल लेना यार। और प्राइस के लिए यार तुम्हें देखो 26 को अगर मान लो ये ख़त्म होता है तो अगले 2 दिन के अंदर तुम्हें बैंस क्यू को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वरना तुम्हें प्राइस नहीं मिलेगा, तो कर लेना, वो हरामी है वो छीन लेगा वरना। तो सर आज की डेट में भी थोड़ी अच्छी वीडियो, तेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैंने क्या बोला आखिरी में मेरे को नहीं पता। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।